हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध पिस्टल बरामद, सप्लायर सहित दो गिरफ्तार। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शहर व कॉलेज परिसर में छात्र गुटों के आमने सामने होने की घटनाओं के बाद पुलिस ने छात्रों की आड़ में उपद्रव की कोशिश करने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। शास्त्री नगर थाने की टीम ने एक युवक को अवैध रूप से पिस्टल के साथ पकड़ा और बाद में उसे हथियार सप्लाई करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम मोनिका सेन ने बताया कि 15 अगस्त और छात्र संघ चुनाव की संभावित कार्यक्रम को देखते हुए शहर में सघन तलाशी अभियान चलाकर बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। शास्त्री नगर थानाधिकारी अमित सिहा की अगुवाई में SI राजू राम, हेड कांस्टेबल जमशेद खां, कांस्टेबल अविनाश, पूनम चंद, हीरा राम व चालक ओम प्रकाश की टीम ने काजरी रोड पर एक युवक को पकड़ा। तलाशी में उसके पास अवैध रूप से रखी एक पिस्टल बरामद हुई तो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने मुलताया पाली के रास बाबरा हाल प्रेक्षा हॉस्पिटल के सामने कच्ची बस्ती राजीव गांधी कॉलोनी निवासी करण सिंह पुत्र राम सिंह भाटी को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।